ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਓਏ ਓਏ ਬਾਂਦਰਾ ਜੀ ਆਖੇ ਲਾ ਲੈ खेतां च इक दूसरे दे खून दे प्यासे इन्हां लोकां दी हालत तुसी देख ही ली होनी है जिन्हां दी लड़ाई दा कारण सुन के तुसी हैरान हो जाना अते ए लड़ाई किवें हस्पताल तक पहुंची एक बार तुसी इस वीडियो ते नजर मार लो फिर तुहानूं सारी कहानी दस देआं आ साडे साडे परिवार दे उत्ते हमला करदे पए ने आ वेखो आ सारे सारे आ सारे डे ने आ वेखो जी आ ओए ओए बांदरा जी आखे ला ले गुरदासपुर के पिंड चगूवाल के रहने वाले दो परिवारों के तीन व्यक्ति जख्मी हालत च सिविल हस्पताल च जेरे इलाज हैं उत्थे ये दोवें धिर के लोग शरीके च एक परिवार है इन्हां परिवारों की महज दो कनाल खेतीबाड़ी जमीन नूं लैके सालां तों झगड़ा चलदा आ रहा है जिसके चलते एक खूनी झड़प हुई है जुगराज सिंह ने दसिया कि उन्हां दा कई सालां तों अपने शरीके परिवार नाल महज दो कनाल जमीन दा रौला है जबकि दूसरी धिर वल्लों उन्हां दी जमीन च झोने की बिजाई की गई है लेकिन हुण जब पटवारी दे निशानदेही की तो उन्हां ये फैसला दिता कि जिसकी जमीन है झोना भी उही कटेगा जब दूसरी धिर उन्हां दे हिस्से च आउण वाली जमीन च कटाई करन लगी तो उन्हां वल्लों रोके जाण ते उस धिर वल्लों उन्हां दे परिवार ते हमला कर दिता उन्होंने दसिया कि इस लड़ाई होने के खासे बाबत पहले ही प्रशासन ते पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवा चुके हैं गलबात जी है पैली दा इस दा झगड़ा चलन रहा है तो अं डीसी साहब ने भी दरखास्त दी एस डी एम ने भी दी एस एस पी ने भी दी वो सारिया अं जड़िया ने दी साड़ी किसी ने कोई हजे तक सुनाई नहीं की डिप्टी अपने सिटी डिप्टी ने भी दी उन्हें अज सू तरीक दी सी भाई तुम 26 तरीक तो तुम आयो तो अपने जड़े साडे मुंडे देखते उन्होंने पैली बद जबरन उन्होंने एक करा ली है दूजे अपने पैली उन्होंने अपना ना करा गए थे उस तबायला कराया पटवारी ने जोर जर पा के तो कुछ नहीं उन्होंने किया डिप्टी साहब ने आख्या भी 26 तरीक है वो अपने गवाह भी लैके आन तो पटवारी भी आए तो इन्होंने वो जरा झगड़ा ही अगेता ही इन्होंने कर दिता साढ़े बच्चे बाहर से इन्होंने आख्या भी दिवाली तो इन्होंने बच्चों ने आना वा तो अं उन्होंने सट्टा सट्टा उन्होंने भी लाइनिया तो इन्होंने भी लाइनिया ने तो साढ़े बच्चे अं आख्या भी तुम्हें नहीं गा आना अं कोई गल नहीं तो वो कोई नहीं आया साढ़े बच्चे बाहर ने वह भी एक बच्चा बाहर मेरे भी दो बच्चे बाहर ने अं दो भरा कर लिया इतने जमीन जमीन दो कनाल वा धक्के उन्होंने साड़ी वट मैं 17 साल तो वाहन डिया वा उन्होंने ढा के वट तो गाड़ी झोना लाता एक बने मैं बै ली आदे भी ये मेरा थान तीन चार मरले थान जरा वा वो निकलन डिया मेरा पटवारी ने वह भी कढ़ के उत्थे निशानियां लाइया ने उहदे विच कमाद लाया इन्हें कमाद मगरों लाया जो तो मैं बै ले ली उदों मगरों लाया इन्हें दूजी पार्टी है कौन दूजी पार्टी भी इत्थे साढ़े सरीके च साढ़े ताए चाचे दे पुत्त ने साढ़े भतीजे लगते ने साढ़े बाबे तो थोड़ा जिहा हटवें करके साढ़े अं मैं 70 साल तो मोहन डिया मैं वट पई दी बन्ने बूटा लगा वो सामने निशानियां लगियां पटवारियां लाइया बच्चे गड्ढे जे छोटे गड्ढे दिन ढिंगरिया गड्डिया बच्चे तो यह छोटा भरा मैं इतने नहीं मेरे तो पहला दुख देने इन्हें जाके तो उत्थे ना बूटे भान भान पाती इधरले बने इन्होंने लिया वा साढ़े वह मुंडे साढ़े जे अपने भतीजे साढ़े लगते चाचे के भरा के पुत ने साढ़े चाचे के पुत पोतरे उन्होंने कटाई कराने थान लिया वो इस तरह नाल लाल लगता वो वट इधरले बने इधरले बने तो उन्होंने जड़े धक्के वट ढा के उत्तर लाई मैं वट साड़ी पक्की है इतने साडा रकबा ता ही इतना साडा पूरा होंगे अजे कनाल थान वट तो अंदरले बने उन्हें फिर कढ़िया साडा अहीं साडा इंसाफ होना चाहिए वा साडा जिहड़ा हक वा अहीं किसे दा हक अहीं मरला किसे दा नहीं लभिया दबिया इन्होंने साडी पैली 5-7 मर कनाल दबी है भाई मेरा नाम जुगराज सिंह है जी पिंड साडा चगूवाल है की गल पता भाई साडी जमीनी तो मतलब लैके लड़ाई हुई जी ठीक है ना तो साढ़े फादर साहब जिहड़े ने ते ताया जी साढ़े जिहड़े ने अपनी जमीन तो मतलब उन्होंने रोकण गए ने कि तुसीं अपने हिस्से की जो जमीन आ जिहदे विच झोना लगा होया तुसीं उहनूं वढ लो जिहड़ा साढ़े हिस्से वाली जमीन च आंदा उहनूं तुसीं सट दिओ साढ़े ताया जी अगे जा चुके ने उन्होंने पहले उन्होंने सट ला दी हुई है उन्होंने को कृपान से उन्होंने को कृपान खो के उन्होंने सट ला दी हुई है बाद चो मेरे फादर साहब गए ने
इन्हां दे सट ला दित्ती। मैं वीडियो बनाउंदा पिया सी, एक बंदे ने पहला मेरे डांग मारी, एक बाद जो बाद डांग मारी मेरा मोबाइल हाथों छुट गया। इन्हां दे सट ज़्यादा होण करके फिर इन्हां नूं मैं ऑलरेडी घर लिया के इन्हां कपड़े कुपड़े पा के मतलब बन के इन्हां दे सट्टां पेटां ते इन्हां मैं सरकारी हॉस्पिटल लिया के आया। सर साडी जमीन दो कनाला वा, दो कनाला उन्हां दे हिस्से दे विच आ गई। गलबात मैं अपनी जमीन च झोना वढ़न गया वा ते इन्हां बंदिया ने तलवार फड़ के ते मेरे ते वार कीता वा। अमरीक सिंह बाकी इन्हां दे जनानियां कुछ इन्हां दे मुंडे ते सारे आण के ते मैनू हल्ला बोल दिता मेरे ते। मैं जी भैने ने गड़ी बांह डाई आ ते मेरी बांह ते इन्हां टप मार दिता। कोई निशानी मैं जमीन वो ढाई कनाला बैल ही है, ढाई कनाला दी मेरे को रजिस्ट्री आ। झोना लगा लगाया मेरा जिहड़ा वा आण के डकया इन्हां ने, ढकण ते बाद उत्थे झगड़ा कीता मेरे नाल इन्हां ने। कोई गुंडा नहीं आया, गुंडे ये लै के आए जी, इन्हां ने गेतरा अरेजमेंट किया बंदियां दा ढकण वास्ते। एक भोला इहदा कवल मुंडा वा रणजीत सिंह भोला, ये बंदे लै गए, इन्हां ललकारा मारिया वा भी इहनूं फड़ लो हुण जाए ना, ये पए ते खलोते दिन गैंग स्टार बंदिया लै गए। ये साढ़े दादे होणां दे कोई भरा भरू पिछों पीढ़ी एक चों डे चलते। ये जनाब मेरे नाल झगड़ा हर एक थान जिथे नहीं कदे कदी कदे कदे आखणगे साडी आह बनदी आ, कदी कदे साडी बनदी आ। मैं इन्हां नूं 50 दफ़ा कह चुका भी जिधर मरले माड़े ने तुसीं मैनूं उधर दे दो, जिधर तुहानूं चंगा जापदा उधर तुसीं रख लो, जिधर लड्डू तुहानूं मोटा लगता। ये जनाब दो ढाई पकाया ही नहीं साडे नाल। इन्हां दे रिश्तेदारां कोल भी मैं गया भोपर दो तीन वारां, उन्हां दी भी इन्हां ने एक नहीं मन्नी। सानूं प्रशासनिक इंसाफ मिलना चाहिए जी, हक दियाँ हक निबड़निया चाहिए ने। ये एवले ढाइया कनाला का जेडे मेरे को ढाई कनाला वगदा वो रफड़ पाउन डे है जी।